जनपद के 127 केंद्रों पर 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके लिए धान क्रय केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस साल शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1,940 रुपए दिया जाएगा, जिसका भुगतान उनके खातों में 72 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। इसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि किसान बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े और सीधे धान क्रय केंद्रों पर जाकर अपना धान बेचे। इस संबंध में धान खरीद के नोडल अधिकारी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि किसान धान के केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में अपना धान बेचे और उसका लाभ उठाएं। इसके अलावा एडीएम फाइनेंस ने कहा कि किसान धानों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें और नमी वाले धान लेकर केंद्रों पर ना जाएं, जिससे उनको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए धान खरीद के नोडल अधिकारी और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हमारे जनपद गोरखपुर में अभी तक कुल 127 केंद्र हैं और एक दो दिन में 10 केंद्र और खुल जाएंगे, इस प्रकार से 137 केंद्र हमारे पास हो जाएंगे। आज धान खरीद का पहला दिन था और हमारे जितने भी मार्केटिंग के सेंटर्स थे उन सभी में अभी प्राप्त सूचना के अनुसार सभी जगह धान खरीद प्रारंभ हो गई है। तो दूसरे हमारे PCF के या अन्य सहकारी संस्थाओं के क्रय केंद्र हैं, उनके यहाँ भी तैयारियाँ पूरी हैं। निर्देशित किया गया है कि परसों तक वो अपनी खरीद हर हाल में प्रारंभ कर दें, लेकिन किसानों से मेरा अनुरोध है कि अगर वो कल भी ले जाएंगे, आज भी ले आए होंगे, तो उनकी खरीद होगी। हमारे सभी केंद्र अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। सर, कितना समर्थन मूल्य है और पेमेंट कब होगा धान का? इस बार धान का समर्थन मूल्य 1,940 रुपये है और 72 घंटे के अंदर भुगतान हो जाएगा। किसानों से एक मुख्य रूप से ये अनुरोध है कि वो साफ़ सुथरा धान ले आएँ और इसके अतिरिक्त जो धान की नमी होती है वो भी वो 17% से कम रखें, उसको सुखा करके ले आएँ। से धान खरीद शुरू हुआ है, कितने केंद्रों पर हो रहा है और क्या समर्थन मिल रहा है? हाँ, हमारे जनपद में 127 केंद्र धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं और सभी जगह सभी क्षेत्र को सेवित करने के लिए ही खुले गए हैं। वहाँ पूरी व्यवस्थाएँ किसानों के लिए सुगम व्यवस्था के लिए वहाँ की गई है और वहाँ पर धनराशि भी प्रेषण की गई है शासन के मंशानुरूप। किसानों को बहुत अच्छा उत्सव की तरह स्वागत करने के लिए आज व्यवस्था भी की गई है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा समर्थन मूल्य से कम कहीं पर भी ना बेचें, किसी के चंगुल में ना आएँ और शासन द्वारा शासन के मंशानुरूप केंद्रों में जो व्यवस्था है उसमें ही अपना धान उपज का मूल्य प्राप्त करने का कष्ट करें और लगातार जनपद के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भ्रमण करते हुए पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि किसानों को तुरंत उनके खाते में धनराशि का हस्तांतरण उनके उपज का मूल्य मिलेगा। सर, क्या इस बार समर्थन मूल्य रखा गया है? 1,940 रुपये का समर्थन मूल्य इस बार घोषित किया गया है। सभी जगह बैनर्स हैं, टोल फ्री नंबर लगाया गया है, कोई भी समस्या आ जाए तो हमें हमारे कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं, हम तुरंत वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करा लेते हैं।